अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की प्लानिंग की है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप लोग म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है SIP का और सेकंड ऑप्शन होता है लमसम इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आपको रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है छोटे छोटे अमाउंट में, तब यहाँ पर आपके लिए SIP बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना होता है एक साथ में, वो भी स्पेशली म्यूचुअल फंड में, तो आपको हमेशा ही मार्केट की कंडीशन, तो जब कभी भी म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, तब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, मार्केट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो मार्केट में क्रैश आते जा रहा है, और करंट मार्केट कंडीशन में इस क्रैश की वजह से मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से लो वैल्यू पर चल रहे हैं, या अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। और इसी की वजह से मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें से काफी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जहां पर इनके NAVs की वैल्यूज कम हो चुकी हैं। म्यूचुअल फंड की NAV कम होने का मतलब होता है कि अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं इन NAVs पर, तो अगर आप लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। अगर आप लोग कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा, और इसी के साथ साथ आपको हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप लोग रिटर्न्स को देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिस्क भी होता है। अगर आप लोग मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर रिस्क ज्यादा होता है, तभी आपको रिटर्न्स ज्यादा कमाने के एक्सपेक्टेशंस होंगे। करंटली अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करके उनके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग करंट मोमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है और आप लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट अभी गिर रहा है, मैं बाद में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वेदर मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो। अगर मार्केट में क्रैश आता है तब यहाँ पर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि आपको एडिशनल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आप लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।